जेल में आते ही अच्छे अच्छों की तबीयत नासाज हो जाती है, चाहे वो नेता हो या माफिया डॉन। बाहुबली मुख्तार अंसारी की भी बांदा जेल में अचानक तबीयत खराब हो गई है। मुख्तार अंसारी की हालत खराब होते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां आईसीयू में मुख्तार को एडमिट किया गया है। हालांकि अब उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जैसे ही मुख्तार के परिवार को उनकी तबीयत के बारे में जानकारी मिली, वो फौरन अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने बताया कि जेल अधीक्षक बांदा का वार्लेस गया मोहम्मदाबाद थाने पर कि उनकी हालत अच्छी नहीं है। बांदा मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती कराया गया है और उनके परिजन को सूचना दीजिए, तो वहाँ थाने पर से हम लोगों को ये सूचना मिली वायरलेस द्वारा। क्या शुभ नाम बताया था आपने? मंसूर अंसारी। आप क्या हैं इनके? मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ और सांसद अफजल अंसारी भी पीछे आ रहे हैं, पहले उनको देखने दीजिए उनकी हालत क्या है। कुछ दिन पहले ही मुख्तार अंसारी ने अपनी जान को खतरा बताया था, जिसके बाद उन्होंने अदालत में खुद को जहर देने की साजिश की आशंका जताई थी। दरअसल एम्बुलेंस केस में मुख्तार अंसारी को गुरुवार को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो कोर्ट नहीं पहुंचे। वकील के जरिए उन्होंने एक प्रार्थना पत्र जज को भेजा था, जिसमें लिखा था कि मुख्तार के खाने में जहर मिला है। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में बांदा जेल के जेलर और दो डिप्टी जेलरों को सस्पेंड कर दिया गया था। साथ ही आरोपियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई थी। फिलहाल मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते 13 मार्च को करीब 36 साल पुराने गाजीपुर के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में उन्हें कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब तक उन्हें 7 मामलों में सजा मिल चुकी है।